जय श्री श्याम गाइस, आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। हम डायरेक्ट सपना आंटी के नए घर पर आ चुके हैं। हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। तो हम आ चुके हैं दीदी के नए घर में और ये सब देखो आते लग गए हैं। भूखे आए थे क्या तुम लोग? ये देखो सब समेटना शुरू। भाई क्या करे, दीदी ने इतनी प्यार से बुलाया था तो कृष्णा को तो भूख लगनी थी ना। सो गाइस, इन्हें तो आप पहचान ही गए होंगे। कौन हूँ मैं? फोन करो। सो गाइस, नहीं प्यारी सी है ना, क्यूट सी। देखियो इसको, सारे लाइक करो, फॉलो करो तो गाइस आप लोग देखते हो सपना दीदी को, और ये बड़ी दीदी है सपना दीदी की, आपको पता ही है। और रियली में जैसा मैंने सोचा था ना, उससे तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इतना हंसते हैं, इतना हंसाते हैं, सबके हमारे लोट पोट हो चुके हैं, हम बोलने की हालत में नहीं है, जिप है। तो गाइस आप देख सकते हो उनको कितना हंसाते हैं, देख लो, ये देख लो मेरा मुंह, पता 24 घंटे तांद्रे दिख दे रहा हूँ। तो दिखाने के लिए ये दिखाने चाहिए ना दी। क्या लेके जाना जिंदगी में, कुछ नहीं लेके जाना, हंसते रहो, हंसाते रहो और मेरी बेटिया ने प्यार करते रहो। शालू दी, क्या हो गया? सुनीता आंटी के साथ इतनी बन गई है शालू दी की, देखना दीदी की हालत। गाइस हमारे सपना आंटी आ चुके हैं, अब बोलो आंटी आप गिफ्ट के लिए। ये दीदी हैं और ये दीदी का अधिकार है, ठीक है? तो गाइस आज आ रहा बहुत मजा, खूब मजा आया दीदी के साथ। खूब तनु कैसा लग रहा है भाई? दीदी को बहुत बहुत बधाई। दीदी दीदी मैं भी हूँ। आप देख सकते हो हम सब ऑटो में गए थे, हर ऑटो में जा रहे हैं अपनी शॉप पे, लेकिन मजा बहुत आया, हमें बहुत मजा आया। तो हम आ चुके हैं शॉप पे, अभी आने वाली है क्लाइंट, करेंगे काम और अभी हम पियेंगे चाय। आज सपना दीदी के घर गए, बहुत अच्छा लगा। देखो एक इंडिपेंडेंट लेडी जब अपने दम पे घर बनाती है तो कितना अच्छा लगता है। मतलब यूं लग रहा था कि यार प्राउड वाली बात है कि बंदी ने घर बनाया है
और इतना सुंदर घर बनाया था, बहुत अच्छा बनाया हुआ। क्यों हो रही है गुस्सा गुन, क्यों हो रहा है गुस्सा? चूहा ढूंढ रही है ये। तो गाइस आज बहुत मजा आया दीदी के घर जाके, और सुनीता दीदी का बिहेवियर इतना 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 अच्छा था ना, एक पल के लिए भी मुझे नहीं लगा कि मैं अलग फैमिली में हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरी फैमिली में हूँ, और मन बहुत खुश हुआ। फिर वहाँ से आने के बाद पार्लर पे भी भीड़ हो गई। ये सारी भीड़ के लिए थैंक यू सपना दीदी। सपना दीदी के यहाँ से ही आए थे, रिलेटिव थे उनके, उनका फेशियल किया, वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे लोग थे। फिर मेरी क्लाइंट आई, सारा दिन ना बहुत अच्छा गया। तो गाइज कभी कभी होता है ना कि बहुत कुछ अच्छा होते होते कुछ गलत हो जाता है, तो आज शायद मेरा दिन भी थोड़ा सा खराब था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर हम सोचेंगे अच्छा तो होगा भी अच्छा। तो गाइज जो भी हुआ कोई बात नहीं, आज पेन तो था ही क्योंकि मस्ती बहुत कर ली थी, तो पेन तो होना ही था। और दुबई से भी एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया कि दी आप ठीक हो, प्लीज़ दी रेस्ट करो। तो इतना अच्छा लगता है ना, आप लोग विशेस देते हो, और कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें गलत होती है ना गाइज, उसके पीछे पीछे कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं। और आप देखना जो चीज़ आज मेरे साथ गलत हुई है ना, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो मैं परेशान नहीं हूँ, बस थोड़ा सा ना बुरा लग रहा है। बुरा तो देखो लगता ही है जिससे आप उम्मीद ना करो और वो चीज़ हो जाए, तो थोड़ा सा हर्ट तो होता ही है, बट कोई बात नहीं। पर अब मैं 1 बजे एंडिंग कर रही हूँ रात के, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में थी, अब अपने आप को ठीक किया, क्योंकि मैं सुबह वाला व्लॉग तो ख़राब कर नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे पता था आप लोग वेट कर रहे हो, तो आपको वेट नहीं करा रही मैं। आप देखो दीदी ने बहुत 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 सुंदर घर बनाया है, और आई विश मैं भी बहुत जल्दी दीदी की तरह अपना एक घर बनाऊँगी, सपनों का, सपना दीदी के जैसा सपनों का। तो आप लोगों का थैंक यू सो मच जो आप हमें इतना प्यार दे रहे हो, और अंश को भी आप लोग मैंने सुना है बहुत प्यार देते हो। आज वहाँ गई तो सपने का, ये एक बहुत अच्छी व्लॉगर है, तो मैं आपको बता दूँ ये अच्छी व्लॉगर होने के साथ साथ अच्छी बेटी भी है, अच्छी स्टूडेंट भी है, और एक बहुत अच्छी नेल आर्टिस्ट भी है। तो मुझे तो अपने बच्चों पर हमेशा से ही प्राउड रहता है। बस 16-17 दिन के बाद आपको मेरी बड़ी बेटी भी दिखाई देगी व्लॉगिंग में, क्योंकि अभी उसका स्टडी है, बस थोड़े से दिन रह गए हैं, अभी वो भिवानी में ही है, स्टडी कर रही है, अभी आती नहीं है कैमरे पे, लेकिन बहुत जल्द वो आएगी, फिर देखना हमारे व्लॉग्स और भी बहुत अच्छे बनेंगे, क्योंकि अगर बच्चे हैं तो सब कुछ है। और तो मैं क्या ही बोलूँ, बस थैंक यू, थैंक यू और थैंक यू। तो गाइज अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। और हाँ आप लोग इंस्टा पे प्लीज़ मैसेज कम किया करो, यूट्यूब पे करो ना यार, मैं कई बार इंस्टा नहीं संभाल पाती हूँ, क्योंकि इंस्टा बड़ी बेटी संभालती है, वो आजकल स्टडी में है, तो वो उसके अंडर में है। तो प्लीज़ प्लीज़ यार यूट्यूब पे मैसेज करो, मैं अपना एड्रेस भी दूँगी और अपना फ़ोन नंबर भी दूँगी, मैं सब कुछ दूँगी, प्लीज़ 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 यार यूट्यूब पे। और मम्मा सबसे बड़ी बात जो हमने फेसबुक बताया था ना अपने सेकंड व्लॉग में, अगर आपने अब तक नहीं देखा तो फटाफट से जाके देखो, क्योंकि उसमें एक इलाज 100 बीमारी, तो उस पे काफी लोगों के इंस्टा पे भी मैसेज आए, व्हाट्सएप पे भी और यूट्यूब पे भी उसी वीडियो पे काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम फेसबुक सच में रिजल्ट दे रहा है सच में। तो गाइज थैंक यू सो मच, आप ऐसे ही हम लोगों को सपोर्ट करते रहो। तो गाइज आज रियलिटी में बहुत लास्ट में मूड ऑफ था, बट हम फिर भी हमने सोचा कि शायद ना डल पाए व्लॉग, आप लोगों का कसूर थोड़ी ही है यार, आप लोगों के सामने तो आना है तो आना है, और कोई भी प्रॉब्लम आ जाए सामने जरूर आऊंगी। गाइज हम लोग रियलिटी में आप लोगों के बिना रह ही नहीं सकते, आप लोगों से बात करें बिना। तो आज के लिए इतना ही, जय श्री श्याम, जय बालाजी, जय श्री श्याम।